Suez, I'm going to spend almost 24,000 तक जो कि बिहार में पड़ता है वहाँ से मुझे मेरा सफर कैसे रहता है ट्रेन एंड देखते क्या होता है देखते अंदर जाके देखो यार भीड़ इतने यहाँ पे बहुत ही भीड़ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। सो भाई ये आ गई हमारी ट्रेन, हमें जाना है थर्ड एसी में। देखो भाई ट्रेन बहुत ही बड़ी होगी। अभी ट्रेन रुक गई है, हमें जाना है थर्ड एसी में, देखते हैं अंदर क्या होता है। वैसे तो अच्छा ही लग रहा है बाहर से, ये दरवाज़ा तो बंद है अभी, वहाँ से दूसरा दरवाज़ा है वहाँ से जाते हैं, ये अभी बंद ही है। सो अब हम अंदर जा रहे हैं। ओ भाई इतना झटका, मेरा सीट नंबर 71 है शायद। वैसे ठीक ही लग रही है, सफाई भी है। ये है मेरी सबसे ऊपर वाली सीट। सो अभी हम निकल गए हैं एंड मुझे ऊपर वाली की सीट मिल गई है। एंड मज़े की बात ये है कि यहाँ पे एसी चला था मेरे ही सामने और सर्दी लग रही थी, मैंने टॉवल लगाई थी अपने ऊपर, मैं शीट लाना भूल गया था, लेकिन यहाँ पे वहीं से नई कंबल मिली, शीट भी मिला। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो ये रहा शीट और ये नई कंबल है, अनयूज्ड है, नई कंबल है और वो भी बहुत बड़ी और सही है। अभी 6:30 बज गए हैं, अभी इफ्तारी का टाइम होने वाला है, 6:45 इफ्तारी करूँगा मैं। एंड मुझे यहाँ का पता नहीं, मैं अभी यूपी में हूँ, पता नहीं किस जगह हूँ मैं। अभी पानी मैंने लिया है, अभी थाली भी मैंने ऑर्डर करवाई लेकिन वो लेट आएगी, 8:30 आएगी। अभी जो मैंने खाना ऑर्डर करवाया था आ गया वो, देखते इसके अंदर क्या है। सो ये रहा चावल, ये क्या है सब्जी में आलू, यह है दाल और वो है रोटी, देखते कैसा टेस्ट है। खाली मैंने पानी पिया, उसी पे मैंने रोज़ा रखा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। एंड कल शाम को मैंने खाना खाया था, मेरा कल भी रोज़ा था तो बहुत ही बुरा खाना था, कोई टेस्ट नहीं था। 110 रुपये में थाली थी, वो भी पता नहीं क्या दिया। ये है थोड़ा बाहर का नज़ारा बिहार का। फाइनली मैं ट्रेन से उतर गया, 8 घंटा ट्रेन लेट हो गई। ये रही ट्रेन, मैं यहाँ पे सुबह 9 बजे पहुँचने वाला था लेकिन अभी बज रहे हैं 5:05, मैं अब पहुँच गया यहाँ पे। अब मुझे लेनी है बस, बस के लिए मैं रवाना हो रहा हूँ, फिर मुझे पहुँचना है अपनी डेस्टिनेशन पे जिसको बोलते हैं पूर्णिया, जो कि बिहार में ही पड़ता है। अभी मैं हूँ कटिहार में। सो बहुत ही बुरी हालत हो गई ट्रेन में, खाना भी सही से नहीं मिला और मैं एसी के बगल में ही था और हवा भी बहुत चल रही थी। सो मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई। सो ऑलमोस्ट 32 आवर्स और 34 आवर्स मैंने ट्रेन में सफ़र किया एंड बहुत बुरी हालत हो गई। आपको क्या बताऊँ मैं, एक ही जगह रहना और यहाँ से भी रोज़ा मैंने रखा है, खाली पानी पिया मैंने शहरी के वक्त और रोज़े से हूँ मैं, इंशाल्लाह देखते क्या क्या होता है आगे। अभी बस लेनी है। सो फाइनली मुझे बस मिल गई है, लोकल बस में हूँ मैं और अभी ये पूर्णिया के लिए रवाना होगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं अपने रूम पे पहुँच गया एंड मैं आपको थोड़ी टिप्स देता हूँ। अगर आप लंबा सफ़र कर रहे हो ट्रेन में, सो आप ट्राउज़र पहनिए, टी शर्ट पहनिए, जीन्स बिल्कुल अवॉइड कीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल रहो वहीं पहनिए।
एंड बाकी आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।